क्लास ट्वेल्थ, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डेट इज मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है और किस तरह से शो करता है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पर जो पहले हम बात करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटीरियल्स के अंदर हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनकी स्पिन होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर सबसे पहली बात तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर के अंदर होंगे। पेयर का मतलब उनके जो दो दो के पेयर्स बने होंगे, एक की जो रोटेशंस है वो क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से शो करते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो एक दो टर्म्स जो हम करने जा रहे हैं, डेट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एम विच इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइड बाय टू, ये वहीं से हम इसकी वैल्यू नोट करेंगे। उसके बाद एक और वैल्यू जो आपको पता है पहले से, डेट इज एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर होती है, एम वी आर। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो सिमिलरली ऊपर अगर ई की वैल्यू बात करते हैं तो ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम इक्वेशंस ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक्स में की हुई है। तो यहां से एल की वैल्यू से अगर आप वी की वैल्यू निकालते हो, विच इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर, ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो एम किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, विच इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई मल्टीप्लाई बाय एल। अब इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपके पास एम किसके बराबर होगा, माइनस ई अपॉन टू एम ई एल। ये माइनस का यहां पर क्यों लग गया साइन, उसका वजह यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं ये मटेरियल्स। अब यहाँ पर आप नोट करोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से आपका इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगी। उसका कारण क्या है कि आपके पास जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, उसका फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी क्रॉस आर है, बट अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम करते हैं तो इट विल बिकम आर क्रॉस वी। तो अगर आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। सिमिलरली अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी क्लॉकवाइज की जगह पर। तो अब एंटी क्लॉकवाइज है तो नेचुरली उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, और जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी जो है वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पर मैंने एल पहले वाले में नीचे की तरफ था, यहाँ पर एल जो है वो ऊपर की तरफ है। सिमिलरली एम की वैल्यू भी इसी तरह से चेंज हो रखी है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तीसरी डायग्राम को कंसिडर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगाई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉरेंट्स फोर्स लगेगी। लॉरेंट्स फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस भी होता है क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज माइनस ई है, तो इट विल बिकम माइनस ई वी क्रॉस बी। अब इस वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, और फोर्स की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी सेंटर से बाहर की तरफ, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। यहां पर थोड़ा सा बुक में गलत लिखा हुआ है बेटा, इस चीज को नोट कर लेना। एज अ रिजल्ट वेलोसिटी डिक्रीज तक तो ठीक है, बट डिक्रीज वी प्लस डेल्टा वी नहीं होगा, वी माइनस डेल्टा वी होगा। तो वेलोसिटी विल डिक्रीज और थोड़ा सा रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
और वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अगर आप इस इक्वेशन को नोट करते हो तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो उस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, एम की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है एम से चेंज होके एम माइनस डेल्टा एम होगी। इसी तरह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगी, पहले वाले की डिक्रीज की थी, इसकी वैल्यू जो है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लॉरेंट्स फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट साइड पे होगी और वो उस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगी एम प्लस डेल्टा। पहले क्या हो रहा था, दोनों की वैल्यूज जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एम के बराबर थी तो एक और डायरेक्शन भी अपोजिट थी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो था। बट इस केस में जो है एक अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एम माइनस डेल्टा एम बन गई है, दूसरे वाले की जो है एम प्लस डेल्टा एम बन गई है। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 डेल्टा एम। तो 2 डेल्टा एम जो है वो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब बन गई है इसके अंदर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किस तरह होगी, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे पहले एक जो वैल्यू थी एक की कम थी और नीचे वाली साइड पे जो है वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट वैल्यू है वो नीचे की तरफ आपके पास आएगी, यानी कि 2 डेल्टा एम की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ है किसकी किस वैल्यू के बराबर, 2 डेल्टा एम के बराबर, बट उसकी जो डायरेक्शन है डेट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने करना है, लर्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तो अच्छी तरह से इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके लर्न करना बेटा।